Hello everyone, this is Padmanabh Sharma and in this video we will discuss the case law, that is Klaus Mittelbeckert versus East India Hotel. Before discussing this case, let us know what does the privity of contract mean. Only parties to contract can sue each other. Like A और B parties है, उनके बीच में जो भी contract हुआ, अगर उसका breach होता है, तो सिर्फ ये दोनों party ही sue file कर सकती है. कोई भी third person आके sue file नहीं कर सकता. It means that a stranger to contract cannot sue. अब उसमें जो एक्सेप्शन है ये वो है कि इफ़ देयर इज़ अ बेनिफिशियरी टू अ कॉन्ट्रैक्ट देन दैट स्ट्रेंजर इज़ कंसिडर्ड एज पार्टी. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर बेनिफिशियरी आता है तो वो भी सू फाइल कर सकता है, उसे भी हम स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी बनाते हैं. इस एक्सेप्शन को ज़्यादा समझने के लिए हम हमारे केस लॉ पर आ जाते हैं वापस, जो कि है क्लाउस मिटलबेकर्ट वर्सेज ईस्ट इंडिया होटल. दिस इज़ अ साइटेशन ऑफ दिस केस जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है. ये हमारे केस का साइटेशन है. तो जो फैक्ट्स है हमारे केस का वो ये है कि देर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लुफ्तानसा अ जर्मन एयरलाइन एंड अ होटल ओबेरॉय इन दिल्ली. इसमें लुफ्तानसा जो जर्मन एयरलाइन है उसका और होटल ओबेरॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था फॉर द स्टे ऑफ द क्रू ऑफ लुफ्तानसा एज अ गेस्ट इन द होटल. जो इस लुफ्तानसा एयरलाइंस के जो क्रू हैं वो जब भी उनकी फ्लाइट दिल्ली आएगी तो इस होटल में स्टे करेगी, ये उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था. देन द प्लेंटिव क्लॉस मिटलबेकर्ट अ को पायलट इन लुफ्तानसा स्टेड इन द होटल फॉर अ फ्यू डेज. अब ये जो लुफ्तानसा के को पायलट थे ये इस होटल ओबेरॉय में कुछ दिनों के लिए रुके. एंड ड्यूरिंग हिज स्टे एज द प्लेंटिव टुक अ डाइव इन अ स्विमिंग पूल इन द होटल. अब उसी दौरान जो प्लेंटिव हैं ही डाइव्स इन अ स्विमिंग पूल, जो उनके होटल में स्विमिंग पूल था उसमें डाइव लगाई. नाउ ड्यू टू द डिफेक्टिव डिज़ाइन ऑफ द स्विमिंग पूल हिज हेड हिट द बॉटम ऑफ द पूल. अब क्योंकि उस होटल का पूल डिफेक्टिव होने के कारण प्लेंटिव ने जैसे ही डाइव लगाई तो उसका जो हेड है वो पूल के बॉटम से हिट हुआ. एंड बिकॉज ऑफ दिस ही रिसीव्ड अ सीरियस हेड इंजुरीज, जिसके कारण उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी. एंड ही वॉज पैरालाइज्ड एंड रिमेन एगोनी फॉर 13 ईयर्स बिफोर डाइड, जिसके कारण वो पैरालाइज्ड हो गया एंड 13 साल तक वो बेड पर रहा एंड देन ही वॉज डाइड. अब सू फाइल हुआ तो जो डिफेंडेंट था उसने ये बोला कि ये तो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो लुफ्तानसा एंड होटल के बीच में हुआ, इस उसके क्रू से हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ. बट ऑल दिस वॉज रिजेक्टेड, ये जो बात थी ये रिजेक्ट कर दी गई. आफ्टर ऑल द प्ले वॉज रिजेक्टेड. फिर जो हेल्ड हुआ इस केस का ये वो है, इट वॉज हेल्ड दैट ही कुड सू अंडर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज अ बेनिफिशियरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. जज ने ये हेल्ड किया कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर बेनिफिशियरी हो तो सू फाइल हो सकता है. लाइक नो डाउट कॉन्ट्रैक्ट जो था वो लुफ्तानसा और होटल के बीच में था, बट ये कॉन्ट्रैक्ट लुफ्तानसा ने किसके लिए करा? बिकॉज ऑफ हिज बेनिफिशियरी. तो जिस कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिशियरी हो तो स्ट्रेंजर टू पार्टी सू फाइल कर सकती है. एंड मोर ओवर फॉर एन एक्शन अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट फॉर कंपनसेशन द प्ले ऑफ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट वॉज इररिलेवेंट. मीन्स टॉर्ट के अंदर कंपनसेशन के लिए स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इररिलेवेंट है. एंड ड्यू टू द हैजार्डियस नेचर ऑफ दिस प्रीमिसेस द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वॉज अप्लाइड. क्योंकि ये बहुत हैजार्डियस नेचर का केस था, सामने वाले की तो जान ही चले गई, सो द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वॉज अप्लाइड. यहाँ पर ये रूल भी अप्लाइड हुआ कि आपको सभी के लिए लाइबल होना चाहिए, सभी के लिए लाइबल होना चाहिए. एंड द डिफेंडेंट वर रिक्वायर्ड टू पे डैमेजेस अमाउंटिंग 50 लाख रुपीस, और जो डिफेंडेंट था उसको कंपनसेट करना पड़ा 50 लाख रुपए का. सो इस केस से ये एस्टेब्लिश हुआ कि हमें जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर बेनिफिशियरी हो तो वो बेनिफिशियरी भी सू फाइल कर सकता है, वो भी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.